हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम राधा अष्टमी पर राधा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि बहुत ही बनाने में सिंपल है और देखने में बहुत ही प्यारा सुंदर सा ड्रेस है तो ये हमारा इस तरह का क्लोथ है हमने लिया है और इस पर सिर्फ लेस और अस्तर डाल करके मैंने ये ड्रेस को बनाया हुआ है और साथ में चोली बनाया हुआ है ये तीन नंबर के राधा जी के लिए मैंने बनाया हुआ है और साथ में मैंने एक सिंपल सा दुपट्टा बनाया हुआ है तो दुपट्टा हमारा सिंपल है अगर आप चाहें तो इस पर बुटीक या स्टोन जो भी लगाना चाहते हैं तो लगा करके इसको हैवी बना सकते हैं तो चलिए एक बार राधा जी को पहना करके हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं ये ड्रेस को देख करके कि कितनी अच्छी इसकी फ़िटिंग आई है आप ये देखिए इसकी कितनी अच्छी गुलाई आई हुई है ये देखिए और इस पर हम मैंने ना ही अभी तक कोई ड्रेस लगाया है कुछ भी नहीं किया है क्योंकि जब सिलाई अच्छी होगी तो अपने आप ही इसकी फिनिशिंग आपको दिख जाएगी और बैठ जाएगी बनाने पर भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा तो ये हमारे तीन नंबर की राधा जी हैं मैं इनको ड्रेस बना के एक बार दिखा रही हूँ आपको ये देखिए चोली इनमें कितना आसानी से इस तरह से हम डाल देंगे और डाल करके बांध देंगे इस तरह से इनका फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए पहनने के बाद कितनी सुंदर इनकी फिटिंग आ रही है और चोली भी काफी अच्छी हो रही है मैं चारों साइड से इनको दिखा रही हूँ और ये देखिए पीछे का लुक और ये देखिए आगे का भी लुक बहुत ही अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ में जब दुपट्टा डालेंगे इनको तो ये देखिए कितनी प्यारी राधा जी लग रही हैं कोई चोली वगैरह पर हम सिंगार करते हैं तो चोली भी हमारा दिख रहा है और ज्वेलरी वगैरह भी डालेंगे या मुकुट वगैरह जो कुछ भी का श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार भी दिखते रहेगा इनका तो इस तरह से बहुत ही प्यारी राधा जी का लुक आ रहा है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इतने में तो स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है ये ड्रेस तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये पोशाक को बनाने के लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया हुआ है ये देखिए वर्क वाला फैब्रिक है बनारसी प्रिंट में है ये हमारा और इसकी जो लंबाई हमने रखी है और चौड़ाई एक बार मैं मेज़र करके देख लेती हूँ कि कितनी है साढ़े चार इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई तीस इंच हमने रखी है अब इसी के पोशाक में लगाने के लिए हमने इस तरह का अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हम रखें अब हम क्या करेंगे ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे पहले तीन साइड से हम सिलाई लगाएंगे इधर से लगाते हुए इधर जाएंगे और फिर उधर के साइड से हम लगा देंगे लगाने के बाद में पहले सिल लेते हैं फिर हम आपको आगे बताएंगे इस तरह से इसको सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम पलट करके पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से पलट करके एक बार मैंने इस पर प्रेस लगा दिया है ताकि ये जो हमारा जोड़ है यहाँ से जब सिलाई करें तो ये हमारा बहुत ही आसानी तरीके से बैठ जाए अब इस पर अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगाएंगे नहीं लेस लगाना चाहते हैं तो प्लेन भी आप इस पर कर सकते हैं तो ये हमारा इस तरह का लैस है इस पर हम इसको लगाएंगे यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे इसको फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे इसी तरह से पूरे पट्टी पर हम लैस लगाएंगे हमारी लैस थोड़ी सी चौड़ी है तो इधर से भी सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड से भी इस पर सिलाई लगाएंगे तो चलिए सिल लेते हैं पहले इसको जब किनारे पर हम आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई लगा करके हम मुड़ जाएंगे और दूसरी साइड वाला जो सिलाई है इसको अब हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से एक लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया है अगर आप चाहते हैं दो लाइन लगाना तो जैसे कि थोड़ा सा हमारा प्लेन जगह बच रहा है तो दूसरा लाइन भी आप इसी तरह से फोल्ड करके लगा देंगे एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ेंगे और इस तरह से यहाँ से आप इस तरह से दूसरी लाइन को भी कम्प्लीट करेंगे तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ करके फिर आपको आगे बताऊँगी इस तरह से दूसरी लाइन भी लगा करके हमने इस पर कम्प्लीट कर दिया है अब जब सिलाई किए हैं तो थोड़ा सा हमारा ऊपर में भी बड़ा छोटा था तो काट करके बराबर किया है मैंने तो ये हमारा साढ़े चार इंच शुरू में था तो अब सिलाई करने के बाद में हमारा लगभग ये चार इंच हो गया है चार इंच हमारा ये देखिए क्लियर दिख रहा है चार इंच हमारा ये नीचे का घेरा बन गया अब इस पर हम देंगे तो फ्रिल भी बहुत ही आसानी से हम इस पर दे लेंगे ये इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक रख रख के इस तरह से हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा खूबसूरत ड्रेस बनेगा हमारा ये आप कृष्ण जी को भी डाल सकते हैं लेकिन राधा अष्टमी के लिए है तो मैं राधा जी के लिए ही बना रही हूँ राधा जी के स्टाइल में बना रही हूँ अगर आप विघनर हैं तो एक एक दो दो प्लेट देंगे और अगर आप पहले से दे रहे हैं तो इस तरह से चार पाँच प्लेट भी एक साथ दे सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर प्लेट दे लेती हूँ फिर बनाती हूँ देखिए कितनी सुंदर ही लुक आएगी ड्रेस की इसी तरह से इस पर पूरा प्लेट हम दे देंगे इस तरह से अगर आपको दिक्कत हो रही है जैसे कि नीचे मोटा पड़ जा रहा है ये चाँप के नीचे कपड़ा तो आप किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं जैसे कि अभी मैं आपको हेल्प ले रही हूँ और बता रही हूँ ये देखिए ये कैंची का नोक जो है पतला है तो चाँप के नीचे एक प्लेट आ जाएगा तो फिर दूसरा प्लेट देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से दोनों एक इक्वल उठाना है आपको तो चलिए पूरा प्लेट में इस घेरे को दे लेती हूँ देने के बाद में आपको फिर रेडी करके दिखाऊंगी इस तरफ से मैंने घेरा को कंप्लीट कर दिया है और हमारा ये घेरा बन चुका है और काफी देख रहे हैं कि अच्छी इस पर फ्रेल भी आई है मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है आपको पूरा दिखाया है एक बार मैं इसके कमर की चौड़ाई नाप करके देख लेती हूँ कि हमारी चौड़ाई कितनी हो रही है ये देखिए ये पूरे चार इंच हमारी कमर की चौड़ाई हो रही है तो बहुत ही अच्छा हमारा ये घेरा नीचे का बन करके कंप्लीट है अब चलिए कमर पर हम कपड़ा लगाएंगे कमर पर भी इसी में का कपड़ा हम लगाएंगे तो ये कपड़ा मैंने पट्टी ली हुई है और इस पट्टी को थोड़ा सा पल इधर से हम फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में इसको हम उल्टे साइड से लेंगे यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरह से उल्टे साइड से इसकी सिलाई पहले हम शुरू करेंगे कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा है तो पहले इसको कट करके हम निकाल देंगे थोड़ा सा इस तरह से एक साइड का सिलाई मैंने कमर पर करके कंप्लीट कर दिया है अब इसको हम क्या करेंगे कि सीधे के साइड से इसमें डोरी लगाना है पहले यहाँ से हम डोरी रखेंगे और इसको इस तरह से पलट करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे जो फोल्ड किया है उसको हम अंदर के साइड दबा लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि डोरी पर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए नहीं तो फिर हमारी डोरी लूज नहीं होगी और जो ये किनारी वाला सिलाई है इसको हम लॉक जरूर करेंगे तो जब दोबारा में हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी दोबारा लॉक हो जाएगी तो पहले एक बार हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से कमर की सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्किप नहीं किया है मैंने बहुत ही आराम से इस पर सिलाई लगा करके आपको दिखाया है और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये लहंगे का जो कमर है इसके घेरा का सेफ आ रहा है आप देख सकते हैं और घेरा भी हमारा बहुत ही प्यारा बन गया अब घेरे को हम साइड रखते हैं साथ में हम चोली बनाएंगे पहले चोली बनाने के लिए हमने इसी में का कपड़ा लिया हुआ है एक छोटी सी हमारी ये पट्टी जैसी है इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग ये हमारी पौने चार चार इंच है और इसकी जो लंबाई थी वो हमारी और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने ये पौने दो इंच है अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको सीधा अंदर रखेंगे और ये उल्टा साइड से हम इसको रखेंगे पहले इस पर हम दोनों साइड से इधर से और इधर से सिलाई लगाएंगे ऊपर का तो हमारा ये फोल्ड है और नीचे वाला पोर्शन हमारा ये खुला रहेगा तो पहले यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाएंगे जब तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है सा ऊपर में हमारा ये तिरछा जाएगा मैं अभी सिलाई करके आपको दिखा रही हूं और इधर से भी ये हमारा थोड़ा सा यहां से तिरछा जाएगा ये जो बीच से मैंने धागा लिया था इसको कट कर देती हूँ इसको पलट करके सीधा कर देंगे छोटा सा है और चौड़ा पट्टी है तो हमारा फोल्ड भी हो जाएगा ये देखिए इस तरह से। इसको अच्छे से हम आप देख सकते हैं कि ये पट्टी को मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है ऊपर वाला पोर्शन हमारा पतला है और नीचे वाला पोर्शन हमारा ये चौड़ा है अब हम क्या करेंगे कि इस पर लेस लगाएंगे तो लेस हम इस तरह से लगाएंगे ये यह यहाँ से इस तरह से लगाएंगे देख रहे हैं अगर ये फोल्ड हो जाएगा तो इसको हम डबल लेयर में लगा देंगे इस तरह से इसको हम लगाएंगे चलिए इसको डबल लेयर में ही हम लगाएंगे ताकि दोनों साइड से हमारा ये फोल्ड हो जाए इधर से भी हो जाए और इधर से भी हो जाए तो चलिए इसको पहले सिलेंगे आप देख सकते हैं कि इस पर लेस लगा करके हमने इसको सिल करके कंप्लीट कर दिया है अब देख लेते हैं ये देखिए दोनों साइड से हमारी इस पर सिलाई लगी हुई है तो जैसे मैंने इधर लगाया सिलाई उसी तरह से इधर लगा लेते हैं फिर आपको कंप्लीट करके बताएंगे। बस इस पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको घेरे के साथ में हम अटैच करेंगे तो घेरा पहले देख लेते हैं इसकी ये बीच सेंटर कहाँ पर आ रहा है हमारा यहाँ पर हमारा बीच सेंटर आर एक बार मार्क लगा देते हैं इस तरह से इसको इसमें हम अटैच करेंगे पीछे से भी हमारा इतना सारा कपड़ा है और यहाँ पर है तो इसको पहले हम सिल लेते हैं और सिलते समय यह ध्यान रखेंगे कि हमारी जो रस्सी है इस पर सिलाई ना लगे और ये देखिए कितना सुंदर से हमारा ये ऊपर का चोली इसमें अटैच हो गया और देखने में इनका लहंगा भी राधा जी का बहुत ही प्यारा बना हुआ है और पहनाने में भी लुक बहुत अच्छी आएगी चुन्नी भी बना लेंगे तो चुन्नी के लिए इसी में का क्लोथ लिया है मैंने इसके हम किनारी किनारी पर लेस लगा लेंगे और लेस लगा करके कंप्लीट करके आपको दिखा रहा है इस तरह से मैंने दुपट्टा उनका सील करके कंप्लीट कर दिया है अगर चाहें तो दुपट्टा पर आप एक स्टोन वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं तो उसको भी लगा करके इसको हैवी कर सकते हैं लेकिन मैंने अभी तक खाली इस पर सिंपल लेस ही लगाया है वीडियो के शुरू में मैंने पहना करके भी दिखाया हुआ है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे